हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 करेस्पोंडेंस विद डिपॉजिटर्स का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बाकी है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, वॉट प्रिकॉशंस आर टू बी बॉर्न इन माइंड बाय द सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स, जब वो है ना डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस वक्त उसे क्या दिमाग में रखना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है ना 2019 में, फैब में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई 2019 में ये आया हुआ है, फैब 2019 में ये बोर्ड में ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन है ना आप लोगों को आगे भी पूछे जा सकते हैं, या तो आपको है ना डिबेंचर्स का जो है डिबेंचर्स के उसमें आ सकता है कि भी डिबेंचर्स को लेटर लिखने के टाइम पे कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, या फिर है ना आप लोगों को आ सकता है कि भी क्या बोलते हैं कि इसके साथ करस्पॉन्ड डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्डेंस के टाइम पे कौन से प्रिकॉशंस रखना है। तो ये है ना यहाँ पर है ना सिमिलर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेक्रेटरी को सेम है ना बातों का ध्यान रखना होता है जो वो है ना डिबेंचर होल्डर के साथ करस्पॉन्ड करने के टाइम पे जो बातों का ध्यान रखता है वही सेम बातें यहाँ पर उसे है ना इसके साथ करस्पॉन्ड करने के टाइम पे डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्ड करने के टाइम पे ध्यान रखनी होती है बातें। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि सेक्रेटरी जब है ना लेटर लिखता है, मतलब करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करता है, किसके बिहाफ में करस्पॉन्डेंस करता है, तो ये है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ में, मतलब कंपनी के बिहाफ में ये है ना करस्पॉन्ड करता है डिपॉजिटर से। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते कंपनी के। एंड वो है ना ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो करस्पॉन्ड करता है डिपॉजिटर से। तो यहाँ पर द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस, उसे बहुत ही है ना सतर्क और उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है विथ करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे द फॉलोइंग प्रिकॉशंस और पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय द सेक्रेटरी बाय करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर। तो सबसे पहले क्या, लीगल प्रोविजन मतलब द सेक्रेटरी को एंश्योर करना होता है, द सेक्रेटरी शुड एंश्योर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्विटेशन को लेकर, जब वो इन्वाइट करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए, एक्सेप्टेंस रिन्यूअल एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स आर ड्यूली कंपाइल्ड बाय द कंपनी के by the law and by the company according to the जो lawful activity है ये, right? तो उसके लिए उसे ना carefully correspond करना जरूरी होता है depositors के साथ, और सारे के सारे जो legal provisions है, law है, उसे fulfill करने होते हैं secretary को जब वो correspond करता है depositors के साथ में। then second courtesy की बात करें तो courtesy मतलब politeness होना जरूरी है, उसकी जो language वो use करता है वो rude नहीं होनी चाहिए, polite होनी चाहिए। तो पोलाइट रिप्लाइज आर एसेंशियल, जरूरी होता है व्हाइल राइटिंग लेटर्स टू द डिपॉजिटर्स, रूड वर्ड्स उसे है ना अवॉइड करने होते हैं, वो स्ट्रिक्टली उसे है ना रूड वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए जब वो है ना करस्पॉन्ड करना, मतलब राइट लेटर राइटिंग के थ्रू है ना उसके साथ कम्युनिकेट करना हो गया डिपॉजिटर्स के साथ, डिबेंचर होल्डर्स के साथ। देन थर्ड प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, तो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स मतलब क्विक रेस्पॉन्स, तो द सेक्रेटरी शुड गिव प्रॉम्प्ट रिप्लाइज, उसे ना क्विक प्रॉम्प्ट रिप्लाइज देने जरूरी होती है टू द क्यूरीज एंड कंप्लेंट्स, जो भी क्यूरीज होती है कंप्लेंट्स होती है डिपॉजिटर्स की, बिना कोई डिले किए, विदाउट एनी डिले, बिना डिले किए है ना जो भी क्यूरीज है कंप्लेंट्स है डिपॉजिटर्स की, तो उसे क्विकली उनका रिप्लाई देना जरूरी होता है सेक्रेटरी को। देन फोर्थ एक्यूरेसी, वो जो लेटर लिखते हैं, लेटर रिटर्न टू द डिपॉजिटर, उसमें ना
एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए, खामियां नहीं होनी चाहिए, और प्रिसाइज होना चाहिए। इन शॉर्ट पूरी डिटेल्स है ना अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर होता है, राइट। ये इनफॉर्मल तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई पूरी है ना राम कहानी नहीं लिखनी होती। जितना अप टू जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रोवाइड करनी पड़ती है, और है ना जो फैक्चुअल डेटा है, जो सच्ची बातें है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो ही है ना उसे है ना प्रोवाइड करनी होती है डिपॉजिटर्स को। देन फिफ्थ, इमेज एंड गुडविल। जब वो लेटर लिखता है तो उसे ध्यान रखना होता है कि उसे वो किस तरीके से कंपनी की गुडविल एंड इमेज को बनाए रखे, तो उसकी भाषा में पोलाइटनेस होना, एक्यूरेसी होना, क्योंकि ये सब चीजों से भी हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी हम जानते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बिहाफ में लिख रहा है, तो जब वो करस्पॉन्ड करेगा डिपॉजिटर्स से तो कंपनी के बिहाफ में कंपनी की इमेज उसमें है ना क्रिएट होने वाली है, क्योंकि उसका सीधा असर कंपनी पे होता है, सेक्रेटरी इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं, वो कंपनी के ऊपर होता है। नाउ यू योर एटीट्यूड, मतलब यहाँ पे लेटर जो लिखता है वो डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना है, और शुड बी रिटर्न फ्रॉम डिपॉजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि आई एटीट्यूड वाला, यू एटीट्यूड उसके हिसाब से होना चाहिए, डिपॉजिटर्स के हिसाब से होना चाहिए, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिटर्स के हिसाब से ही लेटर का रिप्लाई जाना चाहिए, लेटर लिखा जाना चाहिए। देन सेवेंथ, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस इसमें क्या, द लेटर मस्ट बी कंसाइज, मतलब शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए, फॉर्मल लेटर है ये, एंड अप टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। एंड इसमें क्या है, जो भी बिना काम की अननेसेसरी की इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसे अवॉइड करनी चाहिए। देन एट, मैक्सिमम सिक्रेसी, उसे है ना मैक्सिमम सिक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन मैक्सिमम सिक्रेसी एज रिगार्ड्स सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जब वो सेक्रेटरी के साथ जब सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करता है डिपॉजिटर्स के साथ, तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें डिस्क्लोज करनी नहीं है वो भी डिस्क्लोज कर दे, तो मैक्सिमम सिक्रेसी रखनी जरूरी होती है कंपनी से रिलेटेड भी, एज वेल एज जो डिपॉजिटर्स को वो रिप्लाई वगैरह लिखते हैं तो उसको वो है ना साझा ना करे, सबके साथ में पब्लिक ना करे, तो इसका भी उसको पूरा ध्यान रखना होता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन अंडर विच द सेक्रेटरी मेक्स करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, जिसके तहत है ना जो सेक्रेटरी है वो है ना करस्पॉन्ड करता है डिपॉजिटर्स के साथ में। तो छोटा सा वेरी शॉर्ट आंसर है, ज्यादा लेंदी है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट, उसे कम्युनिकेट करना होता है वेरियस डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स को जो है ना डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिए हैं तो वो सारे बताने जरूरी होते, कम्युनिकेट करना जरूरी होता है उसके रिगार्ड्स में। तो द फॉलोइंग आर द फ्यू कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे हमारे टेक्स्ट इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं, व्हेन द सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर्स, जब वो डिपॉजिटर्स को करस्पॉन्ड करता है वाया राइटिंग रिटन लेटर, तो उस वक्त उसे ना एक तो थैंकिंग डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स को थैंक यू लेटर लिखना, थैंकिंग डिपॉजिटर्स, किस लिए थैंक्स करना है, तो फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट, की वो है ना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं एंड वो कंपनी में है ना भरोसा रख रहे हैं, शोइंग देयर फेथ इन द कंपनी, कंपनी में अपना भरोसा रख रहे हैं और है ना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके लिए थैंकिंग लेटर। देन सेकंड, इंटीमेशन देना, इंटीमेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, और किस तरीके से है ना उनका जो है ना उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में, मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इश्यू किया था, वो एक्सेप्ट किया, अमाउंट पे किया है, तो उसके अगेंस्ट में उनको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो उनको कौन से वे से कौन से मीन से उनको है ना ये रिसीव होने वाला है। तो एक तो है इंटरेस्ट वारंट जो अटैच किया जाता है लेटर के साथ, एंड दूसरा है ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की कंपनी डायरेक्टली है ना खाते में क्रेडिट कर देगी, अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, जब अकाउंट नंबर दिया जाता है डिपॉजिटर, जब अकाउंट नंबर देता है अपना बैंक डिटेल्स देता है तब। देन थर्ड है लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, अगर है ना कोई बंदा है ना अपने डिपॉजिट्स को आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड अगर वो है ना लेटर अपने डिपॉजिट को अगर रिन्यू करना चाहता है, राइट, तो है ना कंपनी को क्या एक महीने पहले ना रिन्यूअल नोटिस है ना डिपॉजिटर को है ना रीपे मतलब इसके साथ इसका जो रिडम्पशन होता है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है, तो मैच्योरिटी पीरियड के खत्म होने के एक महीने पहले है ना रिन्यूअल डिपॉजिट भेजा जाता है इन्फॉर्म करते हुए कि भाई आपको अगर रिन्यू करना है तो आप रिन्यू कर सकते हो अपने डिपॉजिटर्स को। देन फोर्थ, यहाँ पर इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स को इन्फॉर्म करना अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कि भाई आपका है ना डिपॉजिट का रीपेमेंट मैच्योरिटी पीरियड आ गया है तो आपको
वो रीपेमेंट हम कर रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना। तो ये सब सिचुएशंस है जब है ना इसको सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना जरूरी हो जाता है, किसके साथ में, डिपॉजिटर्स के साथ में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए उनको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको सही ठहराना है, तो उसके लिए आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट जो जस्टिफिकेशन के लिए है वो है कि द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। उसको कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी होते हैं व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स, जब वो डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्ड करते हैं। तो कौन से क्वेश्चन, तो ऊपर ऑलरेडी हम इसका आंसर कर चुके हैं, राइट। आपको क्या करना है, आपको उन्हीं पॉइंट्स को यहां पे लिखना है जस्टिफिकेशन के लिए। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई क्विकली, प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली वो रिप्लाई करे, जवाब दे एंड रेस्पॉन्ड करे जो भी क्यूरी है, कंप्लेंट है डिपॉजिटर्स की, बिना है ना देर किए, विदाउट एनी डिले, बिना कोई देर किए। एंड सेक्रेटरी को ये भी ध्यान रखना है, द सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस, उसको कॉशियस रहना जरूरी है, केयरफुल रहना जरूरी है जब वो करस्पॉन्ड करता है विद डिपॉजिटर्स ऑन लीगल मैटर्स पे। लीगल प्रोविजंस का ध्यान रखना उसको बहुत जरूरी होता है। देन वो है ना मेंटेन रखे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो जो भी है ना डिपॉजिटर जो भी डिटेल्स साझा कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, तो वो सारे के सारे सही हो, एक्यूरेट हो, और इंफॉर्मेशन हो कंपनी के बारे में जो वो डिपॉजिटर्स को बता रहा है, तो उसमें उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है। देन सेक्रेटरी शुड बी द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज, मतलब अप टू द मार्क, अप टू द डेट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रीफ, इन शॉर्ट उसको है ना पूरा, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो इन्फॉर्मेशन उसको डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड करनी जरूरी होती है। एंड जो इन्फॉर्मेशन है मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू, वो सच और सही होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स, जब वो डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, तो द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल, वो है ना ये कोशिश रहे उसकी हमेशा कि है ना उसकी जो करस्पॉन्ड करने के तरीके से उसकी कंपनी की जो गुडविल है ना इमेज है वो बनी रहे डिपॉजिटर्स के माइंड में, एंड एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाए वो अपनी कंपनी की डिपॉजिटर्स के माइंड में। हैंस फिर लास्ट में आपको हैंस करके स्टेटमेंट कंप्लीट करना है कि हैंस द सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स, जब वो डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है तब। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, देर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं व्हेन अ सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद डिपॉजिटर्स, जब है ना सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना होता है डिपॉजिटर्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर है डिपॉजिटर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द, पहले हम लिखेंगे कि भाई डिपॉजिटर्स कौन है, तो डिपॉजिटर्स होते हैं क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, तो हम मीनिंग लिख देंगे कि डिपॉजिटर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। एंड द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट, सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना पड़ता है द डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिपॉजिटर्स बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, की वो लेटर लिख के उनको इन्फॉर्म करे। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब करस्पॉन्ड करना होता है, तो पहले सिचुएशन कि उसे थैंक्स लाइक थैंकिंग डिपॉजिटर्स, वो है ना डिपॉजिटर्स को थैंक यू लिखे फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट एंड शोइंग फेथ इन द कंपनी, कंपनी में अपना भरोसा वो दिखा, कंपनी का में भरोसा बनाए रख पाए डिपॉजिटर्स, अपना भरोसा बनाए रखे, उसके लिए भी है ना थैंकिंग लेटर लिखना कि भाई आपने भरोसा किया है हमारी कंपनी पे, तो उसके लिए थैंक्स लेटर। देन इंटीमेट करना इंटरेस्ट, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि भी कैसे उनको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से रिसीव होगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो भाई डिपॉजिटर को क्या फायदा है, उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है इसके बदले, तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू मिलेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू मिलेगा, तो वो बताना। देन लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट्स रिन्यूअल का लेटर, इन्फॉर्मेशन लेटर भेजना। देन इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट द रीपेमेंट, की उनका डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट जब आ जाती है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की, तो मैच्योरिटी डेट का उनके पहले उनको इंटीमेट करना कि भाई आपका रीपेमेंट होने वाला है। दस तो इस तरीके से देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब सेक्रेटरी को has to correspond with the depositors। कुछ ये chapters है ना आप लोगों के बहुत easy है, कोई difficult नहीं है chapters। Now attempt the following, आपको है ना नीचे दिए हुए जो draft letters है letter writing, तो आपको ये attempt करना है कि draft a letter of thanks, आपको thank you letter लिखना है to the depositor of a company, company के company को कंपनी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी लिखेगा सेक्रेटरी, राइट, डिपॉजिटर्स को थैंक यू लेटर। तो ये अक्टूबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2015 फरवरी
2019 एंड बैक टू बैक फरवरी 2020 में भी ये पूछा गया था। जस्ट अभी रिसेंटली 2020 की जो एग्जाम हुई थी फैब में, मैं नवंबर की बात नहीं कर रही हूँ। नाउ आंसर, द लेटर ऑफ थैंक्स इज सेंड टू द डिपॉजिटर्स। लेटर ऑफ थैंक यू लेटर है ना, डिपॉजिटर्स को भेजा जाता है बाय अ कंपनी इमीडिएटली कंपनी के द्वारा आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट। जैसे ही वो लोग डिपॉजिट को रिसीव करते हैं तो थैंक यू लेटर भेजते हैं कंपनी के बिहाफ में। कौन लिखेगा? सेक्रेटरी लिखेगा। सो दिस लेटर गिव्स, ये जो लेटर है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द डिपॉजिट्स, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक्सेट्रा। और जो द डिपॉजिट रिसिप्ट है विच इज अ प्रूफ, ये प्रूफ होती है, प्रूफ ऑफ अ रिसिप्ट, रिसिप्ट की प्रूफ होती है, रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट की भी डिपॉजिट का पैसा रिसीव हो गया है तो उसके लिए प्रूफ होता है, एज अ प्रूफ ये भेजा जाता है। रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट इज सेंड टू द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को डिपॉजिट ऑफ रिसिप्ट भेजा जाता है विद दिस लेटर, ये लेटर के साथ में 21 दिन के अंदर अंदर भेजा जाता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट चाहिए रहता है ना डिपॉजिटर को भी, जब उसका रीपेमेंट की बात आएगी मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे उसको ये है ना प्रोड्यूस करना पड़ता है, डिपॉजिट रिसिप्ट कंपनी को देनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। नाउ यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, ये जो लेटर है, ये मैंने आपका टेक्सचुअल लेटर ही आपका लिया है, तो आप चाहिए यहाँ पे ना, आपको चाहिए तो आप कंपनी का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी इट इज ओके। गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? तो 45 गुरु टावर्स GM रोड पुणे, यहाँ पे एड्रेस है। देन CIN नंबर आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक नंबर आप याद कर लो और उसी को आप हर लेटर में यूज कर सकते हो। देन फोन नंबर आप एक याद कर लो, उसी को यूज करो। फैक्स नंबर एक दिमाग में थोड़ा रख लो, उसी को यूज कर लीजिए आप डिजिट्स के हिसाब से। देन रेफरेंस नंबर एंड यहाँ पे वेबसाइट नंबर, ईमेल एंड डेट होना जरूरी है। नाउ डेट यहाँ पे लिखा है जैसे 10th अप्रैल 2019, राइट? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एप्लीकेशन कब रिसीव होगी, तो एप्लीकेशन पहले रिसीव हुई होगी, तो यहाँ पे नीचे हम लोग एप्लीकेशन के बारे में लिखने वाले हैं। तो मिस्टर यहाँ पे मिस्टर श्रंगधर नायक जो है, श्रंगधर नायर, तो 78/68 गुरु अपार्टमेंट शनिवार पेट पुणे। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना मस्ट है, ऑफिशियल लेटर है तो सब्जेक्ट में थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए थैंक यू थैंकिंग लेटर लिख रहे हैं। तो डियर सर, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, की हमको है ना आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई डेटेड। अब यहाँ पे आपको डेट याद रखना कि आपने जो ऊपर डेट लिखी है, यहाँ पे 10th अप्रैल लिखी है तो इससे पहले की डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेटेड 5th अप्रैल 2019 फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे चाहिए तो अमाउंट चेंज कर सकते, लेकिन अब अमाउंट चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपके अमाउंट में चेंजेस आना चाहिए इन द फिक्स्ड डिपॉजिट एस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो अमाउंट है और यहाँ अमाउंट है उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए इन द फिक्स्ड डिपॉजिट एस पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए उसके अकॉर्डिंग स्टेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भेजा जाता है तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो। आपको पता है ना मैक्सिमम पीरियड क्या है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स है एंड मिनिमम 6 मंथ्स है। तो वी आर थैंकफुल, फिर यहाँ पे थैंकिंग दैट वी आर थैंकफुल टू यू, हम है ना आपके आभारी है, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द इनिशिएटिव एंड द ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग, कि आपने ना हमें भरोसा दिखाया, आपने हमें फेथ दिखाया है इन डिपॉजिटिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट इन आर कंपनी, की आप एक अच्छा खासा मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट आप दे रहे हो। सो यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया गया तो उसकी डिटेल है गिवन बिलो, गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर आपको दिखना है, देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है 1 लाख, तो डिपॉजिट का पीरियड कितना, तो पीरियड ऑफ डिपॉजिट ईयर्स में 2 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कंपनी दे रही है तो 12.5% का। ये है ना आप याद रखिए, ये जो फिक्स डिपॉजिट कंपनीज जो इश्यू करती है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट्स, वो उसकी रेट है ना ऑलवेज आपके बैंक की उससे ना ऑलवेज ज्यादा होती है। देन बैंक डिटेल्स जिसमें नेम ऑफ द बैंक सिटी बैंक एंड बैंक अकाउंट नंबर जो है ना डिपॉजिटर अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दिया होता है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आर कंपनी, बाद में कि हमारे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी है ना एक्सप्रेस किया, उनका आभार व्यक्त किया, उन्होंने आभार व्यक्त किया, इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आर कंपनी, एंड फिर बाद में वी एश्योर यू कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको हमारी बेस्ट सर्विसेज देंगे एंड थैंकिंग यू, और आपको थैंक यू करते हैं फॉर द कॉन्फिडेंस शोन इन आर कंपनी। फिर से वही लिख दिया
कि आपने जो कॉन्फिडेंस, आपने जो ट्रस्ट, आपने जो फेथ हमारी कंपनी में दिखाया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड थैंकिंग यू, आपको लेफ्ट साइड में ही है ना थैंकिंग यू लिख लेना, एंड फिर राइट साइड में आपको योर्स फेथफुली, और यहाँ पे फॉर आपने जो टॉप में कंपनी का नाम लिखेंगे आप जो भी, तो वही आपको फॉर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, फॉर गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का साइन एंड जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी का साइन, मिस्टर जो भी है आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, एनक्लोज इसके साथ में एनक्लोज किया गया है, तो क्योंकि डिपॉजिट रिसिप्ट फिर लेटर के साथ ही भेजा जाता है ना, अगर रिसिप्ट ये जो डिपॉजिट पैसा है वो एक्सेप्ट कर लेती कंपनी तो रिसिप्ट भी, तो यहाँ पे ये जो रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे जो शेड्यूल में रिसिप्ट नंबर दोगे तो वही सेम रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे भी दिखाना है, शो करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम, ड्राफ्ट द लेटर टू डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को लेटर ड्राफ्ट करना है इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना इंटरेस्ट वारंट के थ्रू दे रहे हो करके, तो उसके बारे में है ना डिपॉजिटर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट इज अ बोरोड कैपिटल, ये बोरोड कैपिटल है, इसके लिए डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिपॉजिटर्स गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट पे उनको है ना इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये वाला जो लेटर है वो कंपनी है ना डिपॉजिटर को भेजती है जब वो इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, जब कंपनी को देना होता है जब डिपॉजिटर को, तो उसके लिए ये लेटर भेजती है। तो इन दिस लेटर कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि वो है ना इंटरेस्ट कैसे भेजेगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कंपनी में पर्टिकुलर डिपॉजिट का, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन टीडीएस, देन नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट वारंट नंबर, अगर इंटरेस्ट वारंट दे रही है तो इंटरेस्ट वारंट नंबर एक्सेट्रा, एंड द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली। अभी यहाँ पे है ना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेमेंट करे तो किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड एंड रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना, CIN नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा एक याद कर लो, वेबसाइट में याद रखो कंपनी का ही यहाँ पे नेम आना चाहिए, देन ईमेल आईडी में कंपनी का नेम के साथ ईमेल आईडी एंड डेट कंपलसरी है, देन यहाँ पे मिसेस लता दीक्षित आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, देन सब्जेक्ट आपका नाम नहीं लिखना आपको ये बात याद रखना। नाउ सब्जेक्ट में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, देन डियर मैडम आई एम इंस्ट्रक्टेड, मतलब है ना मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया है टू आपकी मैं आपको इन्फॉर्म करूं दैट द इंटरेस्ट एट द रेट की है ना 10% का आपके जो फिक्स डिपॉजिट पे 10% का इंटरेस्ट है ना अप्रूव हुआ है, अप्रूव बाय द बोर्ड हैज बिकम ड्यू, कि वो देना अभी उसकी तारीख आ गई है देने की इंटरेस्ट अमाउंट, तो वी आर एनक्लोजिंग ईयर विथ, यहाँ पर हम एनक्लोज करके दे रहे हैं आपको इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345, ये है ना चेक के जैसे ही होता है, जैसे कोई चेक होता है जाके हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो चेक जब रियलाइज होता है तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो सेम वैसे ही है, डेटेड 25th July 2019, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक वाला है बोरीवली ब्रांच फॉर 2500 का ये चेक है। नाउ यहाँ पे योर कंपनी हैज कंपाइल्ड, मतलब आपके कंप्लाइड मतलब हम है ना विथ ऑल द प्रोविजन, हम सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम लोग अबाइड है, हम लोग कंप्लाइड है, बाध्य है, हम फॉलो कर रहे हैं रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, एंड जो डिटेल्स है द डिटेल्स ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट्स आर गिवन बिलो, तो नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट वारंट नंबर आएगा, इंटरेस्ट वारंट नंबर, फिर है ना फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर दिया जाएगा, देन डिपॉजिट अमाउंट कितना हुआ था 25,000 डिपॉजिट किया तो उस पर 10% 2,500 होता है, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 2000 आपने यहाँ पे मेंशन किया 2,500, तो यहाँ पे भी 2,500 होना चाहिए, और ये 2,500 है आपके 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मतलब यहाँ पे 25,000 का डिपॉजिट अमाउंट है, तो इस तरीके से होना चाहिए। टीडीएस नील है एंड टीडीएस नील है, इसके लिए जो नेट अमाउंट एंड ग्रॉस अमाउंट वो सेम होगा, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ₹2,500, एंड यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विथ, यहाँ पे एनक्लोज किया गया, एंड प्लीज डिटैच
आपको डिटैच करना, मतलब आपको वहां से टेयर करना इंटरेस्ट वॉरिंग अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन, जो परफोरेटेड डॉट डॉट वाली लाइन होती है वहां से आपको उसको डिटैच करना है केयरफुली एंड थैंकिंग यू। फिर बाद में यहाँ पे योर्स फेथफुली और जो टॉप में आप कंपनी का नाम लिखोगे वो ही आपको फॉर करके, क्योंकि कंपनी के बिहाफ में लिखता है सेक्रेटरी कभी भी, इसीलिए पहले फॉर करके ये ऑफिशियली कंपल्सरी के फॉर करके कंपनी का नाम, देन यहाँ पे साइन कंपनी सेक्रेटरी। नाउ एनक्लोज्ड यहाँ पर इंटरेस्ट वारंट एनक्लोज किया करके, तो उसकी डिटेल जो भी एनक्लोज किया जाता है लेटर के साथ में, तो उसको है ना लेफ्ट हैंड साइड के बिलो, लेफ्ट हैंड साइड में बिलो में आपको इसको दिखाना होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम, राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को लेटर लिखो रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, उसके डिपॉजिट के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे रिन्यूअल करना चाहता है क्या वो, तो ये एक प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस वे बाई द डिपॉजिटर होल्डर कंटिन्यू करना चाहता है विद द डिपॉजिट फॉर एन एडिशनल पीरियड के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड, जब पहला मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है इन्वेस्टमेंट का तो वो उसे रिन्यू करना चाहता है, तो इसके लिए उसको रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। एंड ये द एडिशनल पीरियड कैन बी, एडिशनल पीरियड जो है मतलब यहाँ पे वो सेम वो रिन्यू करना चाहता है, इसलिए वो जो एडिशनल पीरियड है वो सिमिलर भी हो सकता है, भले पहले उसने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया था, अभी भी वो आगे 2 साल कंटिन्यू कर सकता है या उससे कम भी और डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द ओरिजिनल टाइम पीरियड से। नाउ द प्रिंटेड एप्लीकेशन इसके साथ है ना कंपनी को भेजनी होती है, द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आर टू बी सेंड टू ऑल डिपॉजिटर्स, सारे के सारे डिपॉजिटर्स को भेजना जरूरी होता है एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले मैच्योरिटी डेट के 1 महीने पहले भेजना जरूरी होता है। नाउ द कंपनी सेंड्स दिस लेटर ऑफ रिन्यूअल इफ द डिपॉजिटर रिन्यूज हिज डिपॉजिट, अगर कंपनी मतलब अगर कंपनी लेटर भेजती है बाद में रिन्यूअल का, अगर वो डिपॉजिट रिन्यू करना चाहता है तो द डिटेल्स अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आर इन्फॉर्म्ड, रिन्यूअल के डिपॉजिट के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट भी बाद में भेजी जाती है, इज एनक्लोज की जाती है। तो यहाँ पे डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड रजिस्टर्ड नंबर, फिर CIN नंबर आपको लिखना है एड्रेस लिखने के बाद में, देन फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, देन वेबसाइट एड्रेस कंपलसरी है, ईमेल, देन डेट, देन यहाँ पे किसका बंदे का नाम जिसको लेटर लिखा जा रहा है, मिस आशीष सिंह, देन एड्रेस अंधेरी मुंबई, देन यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना भी कंपलसरी है कि रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, देन डियर मैडम वी हियर बाय एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, हम यहाँ पे आपका जो आपने एप्लीकेशन भेजा है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ 1 लाख फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आप है ना रिन्यू करना चाहते हो, तो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ में वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट, आपकी एप्लीकेशन के साथ में हमको ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट भी रिसीव हो गई, जो कि आपका डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर यहाँ पे देना जरूरी है आपको, एंड द सेम हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द, क्यों नहीं हाँ क्यों देना जरूरी हमको, अगर हम नंबर नहीं देंगे तो फिर किस कौन सा नंबर वाली फिक्स डिपॉजिट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है ना ये डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, किसी का भी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट दूसरे के फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट से मैच नहीं हो सकता है, जैसे आपका आपका सीट नंबर है ना मैच नहीं करेगा वैसे ही ये मैच नहीं करेगा, और इसके लिए ये है ना लिखना जरूरी है, एंड द सेम हैज बीन और वो सेम है ना प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ फॉर कंसिडरेशन अप्रूवल, और आपकी कहे अनुसार आप अप्लाई किए हो रिन्यूअल के लिए तो आपका है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने भी ये है ना अप्रूवल के लिए भेज दिया गया, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या क्या भेज दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग कब हुई तो 17 मार्च को, तो आपको याद रखना कि यहाँ पे जो ऊपर डेट लिखी है उससे पहले की डेट यहाँ पे मीटिंग की डेट होनी चाहिए, 17 मार्च 2019 हैज डिसाइडेड टू रिन्यू द डिपॉजिट्स फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आगे आपका फिर से रीडिपॉजिट हो गया, मतलब ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एंड अ डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, अब आपकी जो डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर है वो नहीं आएगी क्योंकि रिन्यूअल की है, तो न्यू नया डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर होगा, तो यहाँ पे 5925 इज एनक्लोज अलॉन्ग विथ दिस लेटर, ये इस लेटर के साथ में एनक्लोज कर दिया गया है, थैंकिंग यू, देन योर्स फेथफुली फॉर डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड, मैं आपको बार बार बोलूँ यहाँ पे फॉर लिखने के बाद में आपको जो कंपनी का आपने टॉप में नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है, कंपनी का नेम एंड साइन मिस काव्या अंबानी कंपनी सेक्रेटरी है ये, एंड एनक्लोज्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925, यहाँ पे जो नई फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है वो नंबर आपको यहाँ पे लिख के लिखना है कि भाई एनक्लोज किया है करके, तो इस तरीके से आपको लिखना
मस्ट है। नाउ यहाँ पे फोर्थ जो है, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ हिज डिपॉजिट। जो ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन फेब्रुअरी 2020 में आया था अभी रिसेंट, एंड मार्च 2017 में, अक्टूबर 2015 में ये पूछा गया है। एंड ऑन मैच्योरिटी आप कैसे लिखोगे कि मैच्योरिटी टेन्योर ऑफ डिपॉजिट है, इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी है ना, इससे बंध जाती है कि उसको ये रीपेमेंट करना पड़ता है डिपॉजिट का। एंड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रिजल्ट करता है रिजल्ट्स इन लेवी ऑफ पेनल्टी उस पे लग जाती है कंपनी पे, अगर वो सही समय पर उनका रीपेमेंट नहीं करती है। तो द लेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज टू बी सेंड टू द डिपॉजिटर, तो लेटर ऑफ रीपेमेंट भी भेजना पड़ता है डिपॉजिटर्स को कंपल्सरीली। व्हेन द डिपॉजिट इज टू बी रिडीम्ड, जब डिपॉजिट का पैसा रिडीम हो रहा होता है। एंड द लेटर इन्फॉर्म्स द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को इन्फॉर्म करता है दैट द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट रिसीव कर लिया है। एंड दिस लेटर इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर क्या है, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, TDS, नेट अमाउंट ड्यू कितना, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें लेटर में रहते हैं। तो यहाँ पे धारा ऑयल लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका एड्रेस, CIN नंबर, देन फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, देन बंदे का नाम, और यहाँ है ना राइट हैंड साइड में वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट एड्रेस, देन ईमेल आईडी एंड डेट आपको लिखना है। देन सब्जेक्ट में रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। एंड डियर सर दिस इज टू इन्फॉर्म, ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि दैट योर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, आपका जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर है 5925 डेटेड 1 December 2017 को जो आपको दिया गया था, मतलब कब वो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू किया गया था तब का डेट लिखना है। फॉर 1 lakh आप कोई भी, मतलब आपका ये डेट और ये डेट मैच नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 साल का ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है विल बी ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 30th November 2019, तो 30th November 2019 को ये ड्यू हो रहा है आपका, 2 साल पूरा हो रहा है, राइट। तो वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू द ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट, की है ना ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट होती है वो कंपनी को भेजनी पड़ती है, देनी पड़ती है डिपॉजिटर को, तभी कंपनी है ना पैसा है ना क्रेडिट करती है। तो ड्यूली डिस्चार्ज अलॉन्ग with your instruction for repayment and the board of directors in the meeting, और जो उन्होंने मीटिंग ली थी 12th November को board of directors की मीटिंग हुई थी, तो उसमें resolution pass हुआ है redemption के लिए of the deposits। तो जो detail है repayment of deposits की वो इस तरीके से की, tenure of deposit कितना था, 2 साल का था, fixed deposit receipt number ये यहाँ पे 5925 है और ऊपर भी 5925 है तो मैच होना चाहिए, then rate of interest 10% का, deposit amount कितना 1 lakh, तो 1 lakh पे 10% मतलब 10,000 और 2 years के लिए है मतलब 20,000, तो ये मैच होना चाहिए यहाँ पे 20,000, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना हुआ 1,20,000। TDS यहाँ पे काट के दिखाया गया कि भाई 10% TDS गया, तो TDS किस पे जाएगा, TDS आपके पूरे अमाउंट पे नहीं जाएगा, वो खाली आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे जाएगा, तो इंटरेस्ट 20,000 का इंटरेस्ट आया, तो 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट मतलब 2,000 आया, और नेट अमाउंट कितना होगा अब, तो 1,20,000 में से 2,000 है ना यहाँ पे टैक्स कट हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसे बोला जाता है, तो 1,18,000 है ना खाते में जमा होंगे डिपॉजिटर के। सो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट 30th November 2019, एंड यहाँ पे प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड हियर विद अ क्रॉस चेक, यहाँ पे है ना कंपनी ने ना क्रॉस चेक दिया, तो यहाँ पे कंपनी है ना ECS नहीं कर रही है, खाते में जमा नहीं करा रही, क्रॉस चेक भेज रही है साथ में लेटर के साथ में, तो क्रॉस चेक ऑफ ₹1,18,000 और बेरिंग नंबर मतलब चेक नंबर ये 426025 डेटेड 30th November की डेट का चेक है, ड्रॉन ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक है शिवाजी नगर पुणे, एंड थैंकिंग यू। एंड फिर यहाँ पे योर्स फेथफुली फॉर धारा ऑयल लिमिटेड, बार बार मैं आपको रिपीट करूँ कि यहाँ पे फॉर लिखने के बाद आपको मैच करना है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई और नाम याद किया और यहाँ पे आपने कुछ और लिखा है, वैसे नहीं होना चाहिए। टॉप में जो नाम आपने पहले लिखा है वही कंपनी का नाम, यहाँ पे योर्स फेथफुली के बाद में वही फॉर करके FOR लिखना जरूरी है, फॉर के साथ ये आना चाहिए। एंड साइन मिस्टर अशोक भट्टार कंपनी सेक्रेटरी एनक्लोज्ड क्रॉस चेक नंबर, तो यहाँ पे आप एनक्लोज्ड के साथ में यहाँ पे क्रॉस चेक नंबर, तो यहाँ पे जो चेक नंबर आप दोगे वही सेम यहाँ पे आपका चेक नंबर होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मेट है वो है ड्राफ्ट करना है आपको यहाँ पर कि ड्राफ्ट द लेटर,
आपको ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का. नाउ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे ECS कर दिया, NEFT कर दिया. तो लेटर नीचे लेटर दिया है, ये नॉवेल शिविंग मशीन्स लिमिटेड रजिस्टर ऑफिस पुणे, एड्रेस CIA नंबर लिखना, फोन नंबर लिखना है आपको, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, देन वेबसाइट एड्रेस कंपनी का, यहाँ पे जो नाम है वही वेबसाइट. मैं आपको बोल रही हूँ एक ही याद कर लो, उसी को यूज करो आप, ईमेल आईडी एंड डेट, ताकि आप बोर्ड के टाइम पे भी है ना कंफ्यूज ना हो. देन मिस क्षितिजा अभियानी, देन 125 लक्ष्मी रोड पुणे. देन यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT करेगी कंपनी. तो डियर मैडम, यहाँ पे सेक्रेटरी बोल रहा है कि आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया है कि टू कन्वे टू यू, मतलब मैं आपको मैसेज दूँ, आपको इन्फॉर्म करूँ दैट द बोर्ड हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन. बोर्ड ने ना रिजोल्यूशन पास किया है इन द बोर्ड मीटिंग में हेल्ड ऑन 12th मार्च 2019. तो आपको याद रखना भाई, यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा है तो उसके पहले की डेट होनी चाहिए यहाँ पे 12th मार्च 2019. टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए एट द रेट ऑफ 10% का ऑन डिपॉजिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019. नाउ योर कंपनी हैज कंपाइल्ड, मतलब आपकी जो कंपनी है वो अबाइड है बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज. इस तरीके से तो पहले सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 2032 यहाँ पे दिया, डिपॉजिट अमाउंट 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. तो ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट कितना होगा 2,500, यहाँ पे ना TDS nil दिया है, तो नेट अमाउंट एंड ग्रॉस अमाउंट फिर इक्वल रहेगा, तो 2,500. देन यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर दैट इज ECS या NEFT दैट इज बाय क्रेडिटिंग सेड इंटरेस्ट, जो बताया गया, जो आपको इंटरेस्ट बोला गया है, सेड इंटरेस्ट मतलब बोला गया इंटरेस्ट है, वो आपके बैंक अकाउंट में आपको एक क्रेडिट हो जाने वाला है एज पर द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू टू द कंपनी. जो डिटेल आपने बैंक डिटेल कंपनी को प्रोवाइड की कि भाई कौन से खाते में आपके ये ECS करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके खाते में पैसा आ जाएगा. थैंकिंग यू yours faithfully for novel shaving machine limited and sign company secretary. तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं. इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमने कंप्लीट किया. थियरी एक्सप्लेनेशन बाद में मैं स्लोली स्लोली करती रहूंगी. वैसे ये वाले उसमें तो ज्यादातर के ड्राफ्ट वगैरह को लेके तो ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सरसाइज के साथ में एक्सप्लेनेशन हो ही गया. एंड अभी नेक्स्ट जो चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के साथ अपलोड करने वाली हूँ. तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.